स्क्वायर कट क्रिकेट का वो शॉट जिसे खेलना बहुत मुश्किल होता है और ये शॉट किसी भी गेंदबाज का सारा मनोबल ध्वस्त करने के लिए काफी होता है। क्रिकेट में महारत हासिल करने के लिए खेला जाने वाला स्क्वायर कट खेलने में काफी मुश्किल होता है, लेकिन अगर इसे अच्छी तरह से खेला जा सके तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यूं तो क्रिकेट में कई ऐसे बैटिंग शॉट्स हैं जिन्हें देखकर एक अलग ही सुकून मिलता है। स्क्वायर कट शॉट भी उनमें से एक है। स्क्वायर कट खेलना हर किसी खिलाड़ी का सपना होता है, लेकिन हर किसी की कलाई में वो जादूगरी नहीं होती। 70 के दशक में जब टीम इंडिया कोई ज्यादा बड़ी क्रिकेट टीम नहीं हुआ करती थी, उस समय भारतीय टीम में एक ऐसा खिलाड़ी आया जिसने आते ही शतक लगा दिया। वो खिलाड़ी जिसने सुनील गावस्कर के वक्त में खुद को क्रिकेट का दिग्गज खिलाड़ी साबित किया, वो खिलाड़ी जिसे सुनील गावस्कर भी अपने से बेहतरीन खिलाड़ी मानते थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेकंड लिटिल मास्टर गुंडप्पा विश्वनाथ की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारक टीवी। दोस्तों, 70 का दशक भारतीय क्रिकेट का वो दशक था जिसमें एक साथ दो धुरंधरों की एक से बढ़कर एक पारी टीम इंडिया ने देखी। एक तरफ सुनील गावस्कर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे थे, तो दूसरी तरफ गुंडप्पा विश्वनाथ भी कुछ कम कमाल नहीं मचा रहे थे। अपने पहले टेस्ट मैच में शतक और पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले गुंडप्पा विश्वनाथ का क्रिकेट सफर जितना शानदार रहा है, उतना ही ज्यादा संघर्ष भरी उनकी जिंदगी रही है। सुनील गावस्कर जैसे धुरंधर बल्लेबाज जहां एक तरफ गुंडप्पा विश्वनाथ की बल्लेबाजी के कायल थे, वहीं गुंडप्पा को शुरुआती दिनों में काफी रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा। गुंडप्पा विश्वनाथ का जन्म 12 फरवरी 1949 में मैसूर स्थित शिमोगा जिले के भद्रावती कस्बे में हुआ था। गुंडप्पा विश्वनाथ का पूरा नाम गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ है। बचपन से ही विश्वनाथ को क्रिकेट जगत में नाम कमाने की इच्छा थी। हर बच्चे की तरह विश्वनाथ भी अपनी गली में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करते थे। गुंडप्पा ने पहली बार 7 साल की उम्र में अपने हाथ में बल्ला पकड़ा था। धीरे धीरे गुंडप्पा को क्रिकेट से प्यार हो गया और उनकी रुचि इस खेल में बढ़ने लगी। गुंडप्पा की क्रिकेट में रुचि बढ़ने के पीछे कई लोगों का विशेष हाथ रहा। उनके भाई जगन्नाथ उनमें से एक है। उनके भाई जगन्नाथ एक क्लब के साथ क्रिकेट खेला करते थे और हर मैच के दौरान सुबह जल्दी उठकर विश्वनाथ को क्रिकेट कमेंट्री और क्रिकेट के किस्से सुनाया करते थे, जिससे गुंडप्पा की रुचि क्रिकेट में और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। भाई जगन्नाथ के क्रिकेट किस्सों में उन्होंने कई बार ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स के बारे में सुना था और वहीं से उन्हें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर नील हरवे के बारे में भी पता चला। उसी वक्त से वे गुंडप्पा के पसंदीदा क्रिकेटर बन गए। गुंडप्पा के लिए नील हरवे प्रेरणा बन चुके थे। उन्हीं की तरह एक महान बल्लेबाज बनना चाहते थे। जिस क्रिकेटर को अपनी प्रेरणा मानकर बैठे थे, उनसे भी एक मुलाकात के बाद गुंडप्पा के ऊपर चढ़ा क्रिकेट का बुखार और परवान चढ़ गया। 11 साल की उम्र में किसी फर्स्ट क्लास मैच के दौरान गुंडप्पा को नील हरवे से मिलने और उन्हें छूने का मौका मिला। गुंडप्पा ने अब एक महान क्रिकेटर बनने की ठान ली थी, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। एक और शख्स जिसने गुंडप्पा को क्रिकेट खेलने की प्रेरणा दी, वो उनके पड़ोसी थे, जिनका नाम एस कृष्णा था, जो अपनी कॉलेज टीम के कप्तान थे। उस वक्त छोटे से विश्वनाथ टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला करते थे, जिसे देखकर एस कृष्णा काफी प्रभावित हुए और उनके खेल को सुधारने में रुचि लेने लगे। एस कृष्णा ने गुंडप्पा के खेल को सुधारने में उनकी बहुत मदद की। धीरे धीरे गुंडप्पा अपने आसपास सबसे बेहतर क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाने लगे। गली क्रिकेट में नाम कमाने के बाद गुंडप्पा को भारत के लिए खेलना था और अपने खेल को देश विदेश तक पहुंचाना था, लेकिन किस्मत में इतनी आसानी से जीत कहां लिखी थी। गुंडप्पा दिखने में काफी छोटी हाइट के थे, उम्र भी उस वक्त कुछ ज्यादा न थी। छोटी उम्र और कद के चलते गुंडप्पा को कई रिजेक्शन झेलने पड़े। क्रिकेट में अब तक लंबी हाइट वालों को ही प्राथमिकता दी जाती थी। सुनील गावस्कर भी गुंडप्पा के आने के बाद ही क्रिकेट में आए थे। कद और उम्र भले ही गुंडप्पा की छोटी थी, लेकिन इरादे बड़े थे। अपना महान क्रिकेटर बनने का सपना लिए हर जगह पहुंच जाते। अपने हाई स्कूल के दिनों में इनकी मुलाकात चंद्रश्रेष्ठ से हुई, जो स्पार्टन क्रिकेट अकादमी के मालिक थे। चंद्रश्रेष्ठ ने विश्वनाथ को एक मैच के दौरान शानदार बल्लेबाजी करते हुए देखा था। अपनी छोटी हाइट की वजह से गुंडप्पा को काफी रिजेक्शन झेलना पड़ रहा था, लेकिन चंद्रश्रेष्ठ ने उनका छोटा कद और उम्र के आगे उनके हुनर को प्रमुखता दी। चंद्रश्रेष्ठ ने उनकी उस मुश्किल दिनों में काफी मदद की। विश्वनाथ ने स्पार्टन अकादमी के साथ खेले सभी मैचों में चंद्रश्रेष्ठ की आकांक्षाओं पर खरा उतर कर दिखाया। हाई स्कूल पास करने के बाद विश्वनाथ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए काम करते वक्त उनकी टीम की तरफ से भी शानदार खेल का प्रदर्शन किया। अब तक विश्वनाथ ने अपने खेल को काफी हद तक बेहतर किया था। साल 1967 में विश्वनाथ को मैसूर की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने दोहरा शतक चढ़ दिया। यहीं से उनके क्रिकेट खेलने की राह थोड़ी आसान होती चली गई। साल 1969 में विश्वनाथ को भारतीय टेस्ट टीम में जगह मिली। यहां भी विश्वनाथ ने अपनी कमाल की बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते ही विश्वनाथ ने अपने पहले इंटरनेशनल टेस्ट मैच में शतकीय पारी खेली और टीम को हारने से बचाया। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि साल 1969 में भारत की तरफ से सफेद जर्सी पहने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलने
मैदान में उतरे विश्वनाथ पहली पारी में जीरो पर ही आउट हो गए। वो काफी डर गए थे और उदास थे। उस वक्त टीम के कप्तान मंसूर अली खान पटौदी थे। पटौदी ने विश्वनाथ की उदासी को भांप लिया था। वो विश्वनाथ के पास गए और उन्हें शांत रहने की सलाह देते हुए कहा कि अगले मैच में जरूर शतक जड़ेंगे। पटौदी ने विश्वनाथ का शानदार खेल पहले भी देखा था। पटौदी की बात सच साबित हुई और दूसरी पारी में विश्वनाथ ने शतकीय पारी खेलकर मैच को ड्रॉ कराने में अहम भूमिका निभाई थी। गुंडप्पा विश्वनाथ भारतीय क्रिकेट इतिहास के वो खिलाड़ी हैं जिनके शानदार करियर के बावजूद उन्हें वो उपलब्धि नहीं मिल पाई जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। कहते हैं गुंडप्पा विश्वनाथ के द्वारा स्क्वायर कट शॉट खेलने पर गेंद और बल्ले के टकराने की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंजा करती थी। दोस्तों आपको बता दें कि 70 के दशक में भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक रहे हैं। खासकर टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अपनी उपलब्धियों के झंडे गाड़े हैं। क्रिकेट का सबसे खतरनाक और सुंदर शॉट कहे जाने वाला स्क्वायर कट शॉट खेलने में उनसे बड़ा धुरंधर कोई नहीं था। ये शॉट जितना देखने में सुंदर होता है उतना ही खतरनाक होता है, क्योंकि बैट्समैन की एक गलती इस शॉट को खेलने में उसे आउट भी करा सकती है। एक धुरंधर बल्लेबाज बनने से पहले गुंडप्पा विश्वनाथ को कड़े संघर्ष से गुजरना पड़ा था। कलाइयों का शानदार तरीके से इस्तेमाल करने वाले गुंडप्पा एक जमाने में अपनी इसी खूबी की वजह से काफी पीठे भी हैं, जब उन्हें स्क्वायर कट की उतनी कुछ खासी समझ नहीं थी। एक वक्त था जब गुंडप्पा के लगाए शॉट्स बाउंड्री तक नहीं पहुंच पाते थे, ऐसी इनकी कमजोर कलाइयों की वजह से होता था। विश्वनाथ के धुरंधर बल्लेबाज बनने के पीछे उनके स्क्वायर कट शॉट का बड़ा योगदान रहा है, और स्क्वायर कट शॉट को बेहतरीन तरीके से सिखाने के लिए वो हमेशा से क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी मंसूर अली खान पटौदी को श्रेय देते हैं। दरअसल बात उस वक्त की है जब विश्वनाथ हैदराबाद के खिलाफ रणजी मैच खेल रहे थे। मैच के दौरान स्क्वायर कट शॉट खेलते वक्त वो बिना रन बनाए ही आउट हो गए। मैच के बाद पटौदी गुंडप्पा के पास गए और उनसे पूछा कि क्या वे जिम में कुछ वक्त बिताते हैं। गुंडप्पा का जिम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, सो उन्होंने नामे जवाब दिया। यह सुनकर पटौदी ने उन्हें कलाइयां मजबूत करने की ऐसी सलाह दी जिसने उनकी स्क्वायर कट शॉट खेलने की मुश्किल को आसान कर दिया। पटौदी ने कहा कि दो बाल्टियों को पूरी तरह पानी भरकर और उनको दोनों हाथों से पकड़कर दिन में 3-4 बार लगातार 20 बार उठाना है। उस वक्त पटौदी को टीम में सभी टाइगर कहकर बुलाते थे। विश्वनाथ को लगा कि टाइगर मजाक कर रहे हैं, लेकिन पटौदी ने उनसे कहा वो पूरी गंभीरता से उनकी सलाह को लें। विश्वनाथ ने पटौदी की सलाह का गंभीरता से पालन करना शुरू कर दिया। एक महीने के अंदर गुंडप्पा का इसका असर दिखना शुरू हो गया और उनकी कलाइयां मजबूत होती चली गई। 70 के दशक में कहा जाता था कि गुंडप्पा की कलाई में लोहार जैसी ताकत थी जिसके आगे किसी भी गेंदबाज की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। भारतीय क्रिकेट में यूं तो कई दिग्गज खिलाड़ियों ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से कामयाबी के झंडे गाड़े, लेकिन बहुत ही कम ऐसे बल्लेबाज रहे हैं जिनकी हठधर्मिता ने उन्हें कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया है। गुंडप्पा विश्वनाथ एक ऐसा ही नाम है। गुंडप्पा विश्वनाथ 70 के दशक के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज थे। 1969 से लेकर 1983 तक उन्होंने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला, जिसमें से उन्होंने 91 मैच खेले और 6000 से अधिक रन बनाए। टेस्ट मैच के अलावा उन्होंने 1974 से 1982 तक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले हैं, जिसमें 1975 और 1979 के विश्व कप भी शामिल है। इसके अलावा गुंडप्पा विश्वनाथ को 2 मैचों के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी मिला, इसमें से एक मैच ड्रॉ रहा और दूसरा मैच टीम इंडिया हार गई थी। दोस्तों गुंडप्पा विश्वनाथ 1975 में ICC टेस्ट रैंकिंग में सबसे टॉप पर थे और वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे। गुंडप्पा विश्वनाथ और सुनील गावस्कर की दोस्ती के कई किस्से मशहूर हैं, और इसी दोस्ती के चलते आगे चलकर गुंडप्पा विश्वनाथ का विवाह सुनील गावस्कर की बहन कविता से हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी दर्शकों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।